स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे नोकिया का ये नया फोन नोकिया 8.1, जो कि काफी अच्छा फोन है। और देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और क्या कुछ नोकिया ने नया किया है इसके अंदर। करते हैं इसकी सील ब्रेक। ये कर दिया है हमने इसका सील ब्रेक। और सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पे अपनी मेन यूनिट, तो इसको रखते हैं एक बार साइड में और बाकी देखते हैं क्या है। सबसे ऊपर साथ में मिलता है हमें सिम इजेक्टर टूल, जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। बाकी पीछे कुछ नहीं है। ये है इसका कुछ पेपर वर्क और सेटअप कार्ड, और ये है कुछ पैक जिसमें हमें मिलेगा कुछ नया। ये काफ़ी बड़ा सारा एडेप्टर है जिसकी रेटिंग है 9 वोल्ट 2 एम्पीयर की, तो वैसे काफ़ी बड़ा है ये, तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये है इसके ईयरबड्स जो कि ओके, साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और ईयरफोन्स हैं वो देखने में काफ़ी कूल लग रहे हैं। और ये हमारे पास होनी चाहिए एक टाइप सी केबल, बिल्कुल ये है यूएसबी टाइप सी केबल, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब करते हैं हम फ़ोन को बूट, करते हैं एक बार सारी एक्सेसरीज को साइड में और उतारते हैं सबसे पहले फ़ोन का रैप। बिल्ड क्वालिटी है जो वास्तव में बहुत ही अच्छी लग रही है। बैक जो पैनल है वो एकदम आयरन कलर का है, और जो बैक साइड है वो है 12 MP और 13 MP के जेईस लेंस के साथ। और साथ में हमें यहाँ मिलता है LED फ्लैश, और नीचे की तरफ देखते हैं तो मिलता है हमें फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल सर्कुलर स्टाइल में, और उसके नीचे हमें मिलता है नोकिया की ब्रांडिंग। फ़ोन को हमने कर लिया है ऑन, हो रहा है ये बूट। उससे पहले इसकी कुछ और ओवरव्यू की बात करते हैं, तो ऊपर हमें मिल जाता है 3.5 mm जैक, और इस राइट साइड में हमें मिल जाता है माइक्रोफोन, सेकेंडरी माइक्रोफोन। राइट साइड की हम बात करें तो नीचे की तरफ हमें मिलता है पावर बटन, और ऊपर की तरफ मिलता है वॉल्यूम रोकर बटन्स। और फ़ोन के बॉटम साइड की अगर हम बात करें तो राइट साइड में मिलता है हमें स्पीकर, सेंटर में मिलता है हमें यूएसबी टाइप सी का पोर्ट, और लेफ्ट साइड में मिलता है प्राइमरी माइक्रोफोन। अगर हम बात करते हैं फ़ोन के लेफ्ट साइड की, तो हमें यहाँ पे मिलता है सिम ट्रे, और सिम ट्रे हम देखना चाहेंगे बिल्कुल, ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे है। हम इसमें एक सिम एक मेमोरी कार्ड या फिर दो सिम एक साथ काम में ले सकते हैं। लेट्स गो इंडिया स्किप। ऊपर की साइड में हम लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो हमें यहाँ मिलता है 20 MP का सेल्फी कैमरा, और राइट साइड में मिलता है बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें स्पीकर। हम इसको सेट करते हैं फिंगरप्रिंट और पैटर्न के साथ। पैटर्न हम लगाते हैं ये वाला, नेक्स्ट किया, फिर से पैटर्न लगाया, कन्फर्म किया, और अब हम इसमें लगाएंगे फिंगर स्टार्ट। ओके, काफ़ी फास्ट हो रहा है स्कैनिंग। ये हो गया है हमारा फिंगरप्रिंट कंप्लीट, और फ़ोन हो चुका है बूट। लेट्स गो, फ़ोन हो गया स्टार्ट। डिस्प्ले है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है 2.5D ग्लास के साथ। और सबसे पहले हम इसमें जो देखते हैं हमें पता चलता है ये है एक स्टॉक एंड्रॉयड वन, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी इसके अंदर बहुत जल्दी एंड्रॉयड का नया से नया अपडेट हमें मिलता रहेगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं हमें एंड्रॉयड पाई मिला है या फिर एंड्रॉयड 8.1 मिला है। बिल्कुल इसमें है एंड्रॉयड पाई एंड्रॉयड वर्जन 9, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। और जल्दी से जल्दी इसमें एंड्रॉयड वन में यही है, सबसे पहले हमें गूगल की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। तो करते हैं एक बार इसका फिंगरप्रिंट थोड़ा सा टेस्ट कि फिंगरप्रिंट कितना फास्ट काम करता है। ये मैंने लगाया, बिल्कुल लगाते ही एकदम ओपन हो रहा है, तो फिंगरप्रिंट काफ़ी क्विक है। फ़ोन में सबसे अच्छा ये है कि हमें फालतू की एप्लीकेशन एक भी देखने को नहीं मिलती हैं। सारी जो गूगल की एप्लीकेशंस है सिर्फ और सिर्फ वही एप्लीकेशन हमें अवेलेबिलिटी है इनकी। तो अब एक बार हम कैमरा टेस्ट कर लेते हैं इसका कि कैमरा है वो कैसा है, और क्या इसकी क्वालिटी है, क्या इसके नए कैमराज के फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक इसकी छोटी सी कैमरा की टेस्टिंग। फ़ोटो हो गई है क्लिक, और देखते हैं डिटेल्स में। बिल्कुल बहुत ही शानदार कैमरा है, काफ़ी डिटेल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक कि हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, तो ये होता है स्नैपड्रैगन 710 के साथ आने वाला पहला मोबाइल, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जो कि काफ़ी फास्ट है। स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मॉडल है ये है 64 GB स्टोरेज में 4 GB रैम के साथ, और जो इसकी प्राइस है वो है 27,000 रुपये। तो इस प्राइस में ये एक मिड रेंज में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है फ़ोन की, ओवरव्यू भी काफ़ी शानदार है। तो यही था इस फ़ोन का पूरा हिसाब किताब। वीडियो आपको कैसे लगा बताना कमेंट्स करके ज़रूर। थैंक यू।